हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डाइमाइड का टॉपिक। डाइमाइड एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने का काम आता है। ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे कि ये कैसे करता है, क्यों सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH डबल बॉन्ड NH। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, कि ये कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, क्यों। ये डायमाइड जो है ये बहुत अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है तो इसको ड्यूरिंग रिएक्शन ही प्रिपेयर किया जाता है, इसके अनस्टेबल होने के कारण। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जैसे हमने लिया NH2 हाइड्राजीन, और इसमें कोई कॉपर 2 पॉजिटिव का सोल डाल के H2O2 से रिएक्शन करवा दी, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलता है डाइमाइड। प्रिपरेशन के मेथड थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन के ड्यूरेशन में ही है। पता चला आपको कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, एरो पे डाइमाइड की प्रिपरेशन दे दी, सीधा डाइमाइड मेंशन नहीं किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन। तो पहला प्रिपरेशन ये है। दूसरा प्रिपरेशन इसका पोटेशियम डाइएजा कार्बोक्सिलेट्स है। ठीक है, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर पोटेशियम डाइएजा कार्बोक्सिलेट। इसको अगर एसिटिक एसिड से के साथ हीट करते हैं तो ये हमें डाइमाइड देता है। ठीक है, एक और रिएक्शन जिसमें इसकी रिएक्शन जो है वो S डबल बॉन्ड O NH2 यहाँ पे CH3, आपको ये पता चल ही गया होगा, पैरा टोलुइन सल्फोनिक हाइड्रोजन है ये NH2। इसकी रिएक्शन, इसको सिर्फ हीट करने पे डाई ग्लाइम के साथ, ये डाई ग्लाइम क्या होता है, सोलवेंट होता है, ईथर होता है ये एक। ठीक है, डाइग्लाइम सोलवेंट में इसको हीट करने पे क्या मिलता है, हमें डाइमाइड मिलता है। ठीक है, ये कुछ इसका प्रिपरेशन के मेथड है। प्रिपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन के ड्यूरेशन में प्रिपरेशन होगी। अब इसकी यूटिलिटीज देख लेते हैं, यूटिलिटीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखना कि ये एक्सट्रीमली टॉलरेंट है किन किन फंक्शनल ग्रुप के लिए, सी डबल बॉन्ड ओ के लिए, सी डबल बॉन्ड एस के लिए, सी डबल बॉन्ड एन के लिए, एस डबल बॉन्ड ओ के लिए। इन फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता ही नहीं है, ये करता किसको है, इसको, सी डबल बॉन्ड सी को। ठीक है, डबल बॉन्ड को ये प्रेफरेंस देता है रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसी में ही लिखना आगे। अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहा है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो, अगर मैं एक कंपाउंड ऐसा ले लूं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ये ऐसा ले लूं, दो अलग अलग तरीके के, इसमें आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है और इसमें कंजुगेटेड है। अगर कोई कंपाउंड आपके पास ऐसा आ जाए जिसमें आइसोलेटेड डबल बॉन्ड भी हो, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी हो, तो ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना प्रेफर करता है ओवर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। इस चीज का ध्यान रखना कि आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस ज्यादा किए जाते हैं, कंजुगेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस कम किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये डाइमाइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है तो देखो इसको क्या करना है, रिड्यूस करके इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड हटा देना है, दो हाइड्रोजन लगा देने है। ये जो दो हाइड्रोजन होते हैं ये इन हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल कोई ऐसा ले लूं, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे लिए मिथाइल, यहां पे लिए इथाइल, और मैंने डाला डाइमाइड NH डबल बॉन्ड NH, तो
एक तो इस डबल बॉन्ड का ऊपर वाला फेस, एक इस डबल बॉन्ड का नीचे वाला फेस, यहां पे क्या होगा किसी एक फेस से दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और यहां पे इथाइल, यहां पे मिथाइल, ठीक है, इसी तरह यहां पे इथाइल और यहां पे मिथाइल। इस चीज का ध्यान रखना कि सिन एडिशन ऑफ, लिख लेना इस बात को, सिन एडिशन ऑफ एच टू, ठीक है, ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और पिछली सिंथेटिक यूटिलिटी में मैंने आपको बताई, जैसे देखो एग्जांपल देखना उसका भी, ये कंपाउंड ले लिया मैंने, देखो इसमें आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है और ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी है, और मैं यहां पे डाइमाइड डाल दूं तो ये आइसोलेटेड को रिड्यूस करेगा, कंजुगेटेड को रिड्यूस नहीं करेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये, यहां पे इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और देखना, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को प्रेफर करेगा, दूसरी बात ये बताई जो एस टू एड होगा वो सिन एड होगा, तीसरी बात ये कि लेस हिंडर्ड साइड से एड होगा, लेस हिंडर्ड साइड से एड होगा, एडिशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड विल टेक प्लेस। जैसे मैं एक एग्जांपल ये ले लूं, देखना ये डबल बॉन्ड, यहां मिथाइल ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैंने डाला डाइमाइड, आपको पता है डबल बॉन्ड रिड्यूस होना है, ठीक है। अब दो फेस है, ऊपर वाला नीचे वाला, आपको पता है ऊपर वाले फेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस है इस मिथाइल के कारण, तो ये जो दो हाइड्रोजन ऐड होंगे ये कहां से ऐड होंगे, डाइमाइड वाले नीचे से ऐड होंगे, ठीक है। इस चीज को और ध्यान रखना कि लेस हिंड्रेंस साइड से अटैक होगा हाइड्रोजन्स का। तो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, पहला पॉइंट आइसोलेटेड, दूसरा सिन एडिशन, तीसरा लेस हिंड्रेंस। अच्छा अगले पॉइंट पे आते हैं, चौथे पॉइंट पे, ठीक है। देखो एल्कीन है, एल्कीन पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगी तो इसकी रिएक्टिविटी घटेगी। इस बात को मैं ऐसे कहता हूं कि देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनसब्स्टिट्यूटेड है, रिएक्टिविटी ज्यादा, R CH डबल बॉन्ड CH2 मोनो सब्स्टिट्यूटेड, थोड़ी रिएक्टिविटी घट गई। डाई सब्स्टिट्यूटेड का केस ले लूं तो और रिएक्टिविटी घट जाएगी, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में और कम, R2C डबल बॉन्ड CHR, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में सबसे कम, ठीक है। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी CR2, इस चीज को ध्यान रखना। इस चीज के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखना एग्जांपल क्या लूंगा मैं, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा रिएक्टिविटी घटेगी। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं, ये मैंने रिंग ली, इस पे मैंने यहां डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है, यहां पे मैं एक इपोक्साइड रिंग लगा देता हूं, अपनी तरफ से ले रहा हूं एग्जांपल, यहां पे एक मिथाइल लगा देता हूं और एक डबल बॉन्ड मैं लगाता हूं यहां पे, ठीक है। देखना वैसे कंजुगेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंजुगेटेड में एक डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा, कैसे होगा उसको भी देखते हैं। देखो मैंने यहां पे डाला, मैं यहां पे डाल देता हूं पोटेशियम डाइजा कार्बोक्सिलेट सी ओ टू सी एन डबल बॉन्ड एन सी ओ टू के, ठीक है, और साथ में डाल देता हूं ए सी ओ एच और वर्कअप के लिए एन ओ एच, ठीक है। अब देखो दोनों में से होना रिडक्शन किसी एक डबल बॉन्ड का है, लेकिन ये डबल बॉन्ड देखूंगा तो ये डबल बॉन्ड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड की डिग्री कैसे बताते हो, सबसे इजी तरीका है नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो उस डबल बॉन्ड पे कितने हैं, अगर चार हाइड्रोजन है तो अनसब्स्टिट्यूटेड, तीन हाइड्रोजन है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दो हाइड्रोजन है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ये मोनो और ये अनसब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो देखो इस पे एक हाइड्रोजन है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, यहां पे दो हाइड्रोजन है डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया।
अब मैंने आपको कहा था जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतनी कम रिएक्टिविटी, तो इस डाई सब्स्टिट्यूटेड का रिडक्शन होगा, इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का रिडक्शन नहीं होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, क्योंकि कार्बोनिल पे तो कोई रिएक्शन होनी नहीं, ना ही इपोक्साइड पे होनी, ये डबल बॉन्ड हो गया रिड्यूस, और ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, और यहाँ पे एक मिथाइल, ठीक है। इसके बाद अगर अगले पॉइंट पे चलें, तो देखो मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको कंपैरिजन के लिए आ जाए कि एक कंपाउंड दे दिया ये, ठीक है, और एक कंपाउंड दे दिया ये, ठीक है। इसमें देखो एल्कीन पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, इस पे ये एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और पूछ लिया जाए कि डाइमाइड के साथ किसकी रिएक्शन फास्ट होगी, डाइमाइड, डाइमाइड एक चीज ध्यान रखना, एज सच आपको लिखा नहीं मिल सकता, बहुत कम चांसेस आपको डाइमाइड एरो पे लिखा मिलेगा, डाइमाइड का प्रिपरेशन का कोई मेथड लिखा मिलेगा, तो उस प्रिपरेशन के मेथड्स को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि जब डाइमाइड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो रिडक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, और सॉरी मैंने कहा कि जब एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो रिडक्शन फास्ट होता है, और एल्कीन पे जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो रिडक्शन स्लो होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो डाइमाइड है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो अपना क्या, और ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह, ना ये एल्कीन किस तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब जितना बेटर इलेक्ट्रोफाइल उतना बेटर रिएक्शन स्पीड, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, यानी ये बेटर इलेक्ट्रोफाइल है। रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इस एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, डेफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसकी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को घटा देंगे, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन कम लेगा, और कम लेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर कम अटैक करेगा, और कम अटैक करेगा तो रिएक्शन स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो डाइमाइड है, देखो यहां पे जब रिडक्शन होगा, मैं दोबारा लिखता हूं इसको, ये मैंने लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिया, और इसमें मैंने डाला NH2 कॉपर 2 पॉजिटिव और H2O2, डाइमाइड मिलना है यहां से, ठीक है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन होना है, आपको पता है कार्बोनिल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये बेस्ट मेथड है। अभी तक आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं जिसमें कार्बोनिल का रिडक्शन होता था, इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता था। अब आपने एक ऐसा मेथड पढ़ लिया जिसमें इस कार्बोनिल का रिडक्शन नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड का हो रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है, कौन सा, कैसे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा बीटा वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने का। तो इसको रिड्यूस कर दिया, और किसमें बदल दिया इसको, इसको एक सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, अनसैचुरेशन मिटा दी ना, अनसैचुरेशन थी, अनसैचुरेशन खत्म कर दी, तो कार्बोनिल कंपाउंड में बदल दिया, और ये बेस्ट मेथड है ऐसा करने का, ठीक है। लास्ट पॉइंट इस डाइमाइड में क्या है, हम अगर कोई कंपाउंड ऐसा लें जिसमें एक एल्काइन भी है, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी है, और एल्कीन भी है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा है, तो इसलिए इसका रिडक्शन ज्यादा होता है। इसका एल्काइन और एल्कीन के कंपैरिजन में एल्काइन्स का जो रिडक्शन होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, और इसका रिडक्शन स्लो होता है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा रिडक्शन कैसे करेगा एल्काइन्स का, जैसे मैं ऐसे लिखूं, कोई एल्काइन ये है,
डाइमाइड NH2 ना NH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। आपको पता है सिन एडिशन होता है, यानी जो 2H इस इन दोनों कार्बन पे ऐड होंगे वो सेम साइड से ऐड होंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, R R H H सिस एल्कीन बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया सिस एल्कीन। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना, और ये पूरा कंसेप्ट है डाइमाइड का। अगर पॉइंट्स के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं, तो देखना एक पॉइंट हमने ये पढ़ा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, बाकी को रिड्यूस नहीं करता। अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि आइसोलेटेड को प्रेफर करता है और कंजुगेटेड को प्रेफर नहीं करता। अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि सिन एडिशन करता है, सिन एडिशन ऑफ एच टू करता है। अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्कीन जिसपे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है। ऐसी एल्कीन जिसपे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है उसकी रिएक्टिविटी कम है, ऐसी एल्कीन जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का, इस अल्फा बीटा अनसेचुरेशन को खत्म करने का बेस्ट मेथड है। अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि एल्काइंस की जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। ये सारे पॉइंट थे जो मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किए। डाइमाइड का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे ध्यान से पढ़ना, गलतियां मत करना। और इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।